विधानसभा में घोषणा करते हैं कि मेवात फीडर कैनाल फीडर जो है हम उसका शुरुआत करेंगे, उसका पत्थर भी रख दिया जाता है चुनाव से पहले कि लोगों को जिससे बरगलाया जाए। चुनाव हुए, 2 साल हो गए, अभी तक देखा इन्होंने काम कुछ नहीं करना। एक हमारे आगे नेता था जो बहुत चापलूसी करता है, अभी मुख्यमंत्री आया था, भाई ऐसा मुख्यमंत्री मिलो है कि भाई जो मांगोगे दे दोगे, या तो भाई तारी बात में दम ना है या तुम अपनी चपड़ासगिरी के मारे, मतलब अपनी वकालत कौम की ना कर पा रहे, इलाके की ना कर पा रहे, कि 80 करोड़ के जो काम हुए पड़े थे उनको कह के घोषणा करके चला गया। ये मुख्यमंत्री दे के जाता है यहाँ के इलाके में। अरे जो मुख्यमंत्री इस देश में अमन चैन और इस प्रदेश के खास तौर के, यहां मैं कहूंगा मुख्यमंत्री जी 2014 के बाद इस प्रदेश में कहीं जातीय संघर्ष हो रहे हैं, कहीं जाट आंदोलन के एवज में आपने राजनीति का खेल खेला और अब आपस में धर्म और सद्भाव की भावनाओं को खत्म करने के लिए आप गुड़गावा में नमाज पढ़ने से रोकते हैं। अपनी चिन्हित जो सरकार की चिन्हित जगह है, सरकार ने इजाजत दे रखी है, वहां ऐसे असामाजिक तत्वों को, वो हिंदू समाज को वो रिप्रेजेंट नहीं करते, उनका तो अपना एजेंडा है कि उन्होंने व्यवधान डालना है समाज में, जो है लोगों में एक दूसरे को प्रति नफरत पैदा करनी है, वो नमाज पढ़ने से रोकते हैं। मुख्यमंत्री जी आपकी जिम्मेवारी बनती है, हमने आपको पत्र भी लिखा, हमने अभी तीनों विधायकों ने मिलकर गवर्नर को भी ज्ञापन दिया और हम ये कहते हैं कि हम इनकी मंशा कुछ भी हो लेकिन इनकी मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे, हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। आज साथियों मैं इन बातों को क्यों दोहरा रहा हूं, आज विपक्ष आपके समक्ष एक कार्यक्रम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुरू किया है और उसका मकसद है कि हम आपकी बातों को सुने। आज आप सब लोग इतनी भारी तादाद में आए हैं, बहुत हमारे मंसूबे भी हैं, बहुत हमारी ख्वाहिशें भी हैं, बहुत हमारी मांगे भी हैं, बहुत हमारी जरूरतें भी हैं। मैं आप सबसे यही कहूंगा कि वो आपकी सारी बातों को सुनने के लिए आपके बीच